नमस्कार दोस्तों, आज 20 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के प्याज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं अरजिंदर शर्मा बाबू जी के पास आज की क्या पोजीशन है जी दुकान पर, टोटल मंडी में कितनी गाड़ियां आई, क्या रेट है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट है, ये जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हो आप ये इन्हीं के पास हैं गाड़ियाँ। आज की क्या पोजीशन है, क्या हालात हैं, और भी प्याज के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे बाबू जी से। और माल की क्वालिटी देखो दोस्तों, माल भी नंबर वन के माल है जी, आज तो वाकई जबरदस्त माल है जी, कहाँ का माल होगा जी ये। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी। नमस्कार बाबू जी, आज की क्या पोजीशन रही जी, मार्केट में कितनी गाड़ियां हैं जी, क्या हालात हैं जी प्याज के, और अपने पास कहाँ कहाँ क्या जी। हालात ये है कि 50 रुपये बाजार कल टूटा था। अच्छा जी। 50 रुपये आज टूटा है। अच्छा जी। जो चढ़ा था बाजार वो वापसी आना शुरू हो गया है। अच्छा जी। और प्याज मंडियों में ज़्यादा गवर्नमेंट का ही आ रहा है। अच्छा जी। और व्यापारियों का कम आ रहा है। अच्छा जी। आज समझ लो आपकी करीबन 40 गाड़ी हैं। हाँ जी। 40 गाड़ी हैं आज मंडी में करीबन। अच्छा जी। और बैलेंस है करीबन 54 गाड़ी। अच्छा जी। 94-95 गाड़ी मंडी में है, 100 भी हो सकती है। अच्छा जी। और ग्राहक कम है, असर है नवरात्रों का। अच्छा जी। तो कल तक ग्राहक कम ही रहेगा। हाँ जी। इसलिए बाजार जो उठा था। हाँ जी। नवरात्रों के डर से लोगों ने प्याज भेजना बंद कर दिया था। हाँ जी। अब जब तेज होने लगा, ज्यादा तेज हो गया 5-4 रुपए, तो लोगों ने भेजना शुरू करा है दोबारा। लोगों का इतना ज्यादा नहीं आ रहा जितना आधा व्यापारियों का और आधा गवर्नमेंट का। अच्छा जी। तो प्याज जो दोबारा अराइवल बढ़ गई जी, अराइवल बढ़ गई, बैलेंस बढ़ गया। अच्छा जी। तो पीछे जो मंडियों में है वहां भी निकलना शुरू, वहां भी बाजार गिरा है जी। अच्छा जी। 125 किलो का मतलब है जी ये 250 रुपये किलो हो गया। 50 रुपये कल, 50 रुपये आज। हाँ, 125 किलो कल गिरा, 125 आज गिरा। अच्छा जी। अच्छा। और उठाव कैसा है जी मार्केट में? उठाव बहुत कम है जी। अच्छा जी। कल कितनी गाड़ियां बिक गई थी जी बाबू जी? कल बिकी यहाँ पर कोई 34 गाड़ी। अच्छा जी। ठीक है जी बाबू जी। तो आज के ये प्याज कहाँ का जी? बड़ा शानदार प्याज दिख रहे हैं। ये राजस्थान का प्याज है जी। ये राजस्थान का? हाँ जी। बड़ा जबरदस्त। हाँ। कर रखा जी, अब तक बचा के रखा है जी उन्होंने। हाँ बिल्कुल रखा हुआ है जी। राजस्थान में तो अभी 1.5 महीना प्याज आएगा। अच्छा जी। प्याज सब जगह है पड़ा हुआ। अच्छा। कम या ज्यादा। अच्छा जी। हाँ। तो आज के राजस्थान के बाजार क्या रहे बाबू जी? राजस्थान का प्याज का बाजार आज रहा यहाँ 1100 रुपये से लेके। हाँ जी। 1300 रुपये। तो किलो में बता दो बाबू जी। ये 27 से 32। अच्छा जी। और 2-3 दिन पहले तक कहाँ तक पहुँच गया था यही वाला जी? ये पहुंच गया था 30 से 33। अच्छा जी। 34 बल्कि। अच्छा जी। और एमपी वाले बाबू जी, एमपी के प्याज जी? एमपी का प्याज जो है। हाँ जी। उसकी पोजीशन अच्छे की हुई है 1200-1300। अच्छा जी। हल्के जो है वो 900-1000। अच्छा जी। और बाबू जी ये जो महाराष्ट्र की क्या पोजीशन चल रही जी, जैसे नासिक? नासिक का तो माल आ ही नहीं रहा नासिक की, तो क्योंकि ये 15-20 गाड़ी रोज आ रही है इसकी सरकारी। सरकारी ये सारा सरकारी बिक रहा है इस वक्त 1100 से 1200। 1100 से 1200 रुपये मान जी। हाँ। अच्छा जी। ये जो महाराष्ट्र का नासिक का माल आ रहा है सिर्फ सरकारी गाड़ियों में आ रहा है? सरकारी में आ रहा है, आज नहीं है। वैसे इक्का दुक्का गाड़ी तो आती है। अच्छा। आज नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि इसके आगे टिक नहीं सकता ना, इसके आगे उसका घाटा है। अच्छा जी। व्यापारी का माल नहीं टिकेगा इसके आगे? व्यापारी का कम बिकेगा, घाटा हो जाएगा। अच्छा जी। महाराष्ट्र की मंडियाँ तेज हैं। अच्छा जी। और यहाँ जो भाव बिक रहा है उसमें पैसे पूरे नहीं होंगे। अच्छा जी। ये बात है। और बाबू जी पूना वाले पूना वाला तो तेज बिक ही रहा है। पूना वाला आप समझो कि 3300, 3400, 3450। अच्छा जी। और बाबू जी जो ये बाहर से 2-4 गाड़ियाँ पहले आई थी ये भी बंद हो गई जी, अब जो कर्नाटक वगैरह से नए प्याज की आनी हुई शुरू? बाजार गिरेगा तो आएगी नहीं ना, उन्हें पड़ता नहीं है ना। अच्छा जी। वो तो इसलिए है कि बाजार तेज होता चला गया तो आ गई, अब जो गिरने लगा तो आएगी नहीं। अच्छा जी। तो रास्ते में होगी तो आ जाएगी। अच्छा जी। लोडिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि मंदा है। अच्छा जी। चलिए बाबू जी, कोई किसानों के लिए सुझाव मैसेज, व्यापारियों के लिए जिन पे अभी तो माल व्यापारियों पे माल है जी, क्या सुझाव है जिनके लिए जी अभी? देखो भाई साहब, कोई सुझाव नहीं है। मैं आपको कई टाइम से कह रहा हूँ कि अब जो बाजार है ना। हाँ जी। वो आमदन पे है, अगर प्याज व्यापारी किसान निकालेगा। हाँ जी। तो ये बाजार चलते रहेंगे। अच्छा जी। अब जैसे पीछे 5-4 दिन नहीं भेजा तो बाजार उठ गया 5-4 रुपए। हाँ जी। अब गिर रहा है
ये टिकेगा वहीं जहाँ से शुरू हुआ था। अच्छा जी, आज नहीं, चार दिन में और 10 दिन के अंदर अंदर हाँ जी नया शुरू हो जाएगा, ये चाहे थोड़ा थोड़ा हो। ये क्या राजस्थान वाला? राजस्थान वाला है जी, उम्मीद 10 दिन में बिल्कुल 100%। समझ लो आज 20 तारीख हो गई जी, पहली नवंबर तक, पहली हो, दो हो, एक दो दिन ऐसा थोड़ा होता है। अच्छा जी, एक दो दिन पहले भी आ सकते हैं, एक दो दिन बाद भी आ सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, यानी 10 दिन में उम्मीद है चाहे थोड़ा आ जाए। इतना बढ़िया है, अच्छा प्याज बहुत बढ़िया आएंगे कैरथल के। अब प्याज में ये तो बात बताई जी लोगों ने कि फसल बढ़िया है, बम्पर है फसल, फसल बम्पर है। और वैसे कम लगाई जी प्याज? देखो कम लगाई है ज़्यादा लगाई है कौन बता सकता है, सब झूठे हैं। अच्छा जी, गांव का तो लोगों को पता नहीं होता, 500 किलोमीटर का जवाब देने लगते हैं। अच्छा जी, ठीक है। और ये मौसम इतना बढ़िया चल रहा है हाँ जी कि जितनी लगी है ना उसकी ड्योढ़ी पैदा होगी। अच्छा जी, जैसे आप कह रहे हैं दिन में गर्मी और रात में ठंड, ये प्याज के लिए बहुत बढ़िया है। बहुत, 15 दिन में डबल। अच्छा जी, प्याज सब तैयार हो चुका, सहज बन जाएगा जी, तो साइज बहुत बढ़िया बन जाएगा। जो सहज बनेगा जी फिर तो इनका बिकेगा भी इज्जत से जी पूरा जी। नहीं, इज्जत से तो वैसे भी बिकेगा क्योंकि प्याज सब जगह जो पड़ा है वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं बड़े आदमियों पे है। अच्छा जी, और बाकी जब नहीं निकल रहा हाँ जी तो इज्जत से बिकेगा। अच्छा जी, अगर इज्जत से नहीं बिकेगा तो पुराने का नुकसान हो सकता है, नए में तो नहीं होगा। अच्छा जी, ठीक है जी, तो बाकी ठीक है। पुराने वालों को तो मैं बार बार कहता है वही आ रहा हूँ कि भाई जैसा दिल करे करो, हमारी तो ये सलाह है कि भाई धीरे धीरे निकालो। अच्छा, ये तेजी आई तो मैंने अपने व्यापारियों की कई गाड़ियाँ निकलवा दी हाँ जी। आज भी मैंने उन्हें कहा कि गाड़ी भरो, ये भाव फिर नहीं मिलने। अच्छा जी, लेकिन कोई भरेगा कोई नहीं भरेगा जैसा दिल करे। नहीं, फिर भी आपके पास काफी गाड़ियां जी, व्यापारियों की 6 गाड़ी है जी प्याज आज की। हाँ, अच्छा जी, अच्छा कल भी 5 थी। अच्छा जी, तो 6 में से कम 4 बिक जाएंगी जी? 3 बिक जाएंगी करीब। 3 क्यों? ज्यादा गिरा के बेचना ठीक नहीं है ना। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आज लोडिंग कम होगी। अच्छा जी, कल कम आएगा प्याज। अच्छा, क्योंकि बैलेंस ज्यादा रह जाएगा। आप भी पूरा रोक के बेचते हो जी, टनाटन खड़का के बेचना चाहिए, जो रेट खोल दिया तो खोल दिया जी। अच्छा, पैसा जो उधार बेच रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ठीक है जी, गेर के भी क्या फायदा जी, नहीं गेर के भी फिर व्यापारी भी दोबारा एडिया ठाके देखेगा जी। चलिए, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जो बातें आपका वो विषय चल रहा ना जी, आपको सारे धन्यवाद दे रहे जी। चलो जी, जो वह कह रहे भी, जब हमारे समय में रजिंदर शर्मा जी चलते थे मंडी में, जिधर से गुजर जाते थे 10-15-20 बंदे लोग सारे आड़ती साथ चलते थे। भाई साहब देखो, हमारा काम है सामाजिक लोगों का, पब्लिक की मदद करना। अच्छा जी, और जो आदमी ठीक नहीं है हाँ जी, उसको हमारी शक्ल से दहशत होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही हाँ जी, तो हमें सामाजिक काम करने का अधिकार नहीं है। अच्छा जी, जो शरीफ आदमी है, इज्जतदार आदमी है हाँ जी, ईमानदार आदमी है, बढ़िया आदमी है हाँ जी, उसको आपको देख के दिल प्रसन्न हो जाना चाहिए कि मेरा भाई आ गया, बाप आ गया, बेटा आ गया, यानी प्यार बढ़ जाना चाहिए। और जो गलत है उसे देखते लगना चाहिए हाँ जी कि भाई ये तो गलत आ गया, ये मेरे तो काम कर देगा, भी पतली गली से निकल लो। ठीक है जी, ये मैसेज हर सामाजिक आदमी का और खासकर अधिकारियों का जाना चाहिए, तभी देश की आज़ादी का काम है। कहाँ हुआ देश आज़ाद अगर लोग परेशान हैं? हाँ जी, देश की आज़ादी का मतलब है राम राज। राम राज का मतलब है कि रावण तो डरेगा हाँ जी, बाकी सब खुश रहेंगे। ठीक है जी, अगर बाकी तंग हो रहे हैं तो फिर राम राज नहीं आया। ठीक है जी, जिस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने जान दी ना हाँ जी, वो व्यर्थ गए, वो व्यर्थ गए। देश में हर आदमी का लाभ होना चाहिए हाँ जी, और जो दूसरे को तंग करे हाँ जी, उसका तो इलाज कितना भी बुरा हो वो कम है। ठीक है जी, जो गलत काम करे उसका तो कतई काम खत्म हो जाना चाहिए। मैं बहुत बुरी सी बात कह रहा हूँ बहू जी, आप जो भी कहा ऐसे ही कहा, और आप ही गए नहीं कठोर वचनों की वजह से आप मंत्री पद पे नहीं गए। लोग बोलते हैं जी रजिंदर शर्मा जी ऐसा ना बोलते, आज ये बड़े कैबिनेट में मंत्री होते उस समय। मैं आपको बताऊं, आपके घर में यहाँ दुकान पे मुख्यमंत्री बैठे रहते थे लगातार। मैं एक बात कहता हूँ कि जो आदमी अच्छे हैं हाँ जी, उनको हमसे प्यार होना चाहिए।
ठीक है जी। और जो गलत है उनको डर होना चाहिए। ठीक है जी। एक बात आप बताओ। हाँ जी। हम देश में 140 करोड़ से ज्यादा हैं। हाँ जी। राम राम। 140 करोड़ से ज्यादा आदमी है, उनमें अगर कानून ऐसा बन जाए, हाँ जी, पार्लियामेंट ऐसा बना दे, पुलिस में कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, कि जो गलत आदमी हैं, हाँ जी, उनका तो एनकाउंटर ही होना चाहिए। अगर 140 करोड़ में से, मैं तो कहता हूँ लाख, दो लाख, दस लाख भी मार देने पड़े, हाँ जी, तो बाकी 140 करोड़ तो सुखी रहेंगे। ठीक है जी। बात ये भावना सब में होनी चाहिए। ये जो उनसे गंद फैलावा जी, है लाख बंदे भी नहीं है जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो आदमी परेशान है, दुखी है किसी कारण से, उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है जी। जिसको रोटी नहीं है, सरकार की इंतज़ार मत करो, जो गांव में, शहर में, मोहल्ले में रोटी वाला है, हाँ जी, पैसे वाला, उसे उनको रोटी देनी चाहिए। ठीक है। ये जितनी RW, आज मैंने सुझाव देता हूँ, हाँ जी, कि RW में एक लिस्ट बनाएं, हाँ जी, कि ये लोग परेशान है, किस किस बात से। RW सब जगह बनी हुई है। अच्छा जी। और उनकी वो परेशानी दूर करें, हाँ जी, कम से कम उन लोगों को रोटी कपड़ा तो दे ही सकते हैं। हाँ जी। आज संसार में, हिंदुस्तान में, हाँ जी, हर शहर और गांव में इतने ज़्यादा लोग हैं, हाँ जी, जिन पे समर्थवान है कि वो गांव में कोई रोटी और कपड़े के बिना ना रहे, ये वो देख सकते हैं। बहुत ये चीज़ सरदारों में है जी, इनमें सरदार हर चीज़ में मदद कर देंगे अपने बंदे की। बिल्कुल। बाहर वालों को भी खाना तो खिलाएंगे जी, जो भी नहीं गुरुद्वारे में चले जाए। उनके गुरुओं ने प्रचार किया, ताज़ा है ना, 300-400 साल से इसी में लगे हुए हैं। हाँ जी। हमारे हो गए लाखों वर्ष। हाँ जी। कुछ बातें मोहम्मदंस के आने से ढीली हो गई। हाँ जी। ठीक है। तो आज हमें और आपको प्रचार करना चाहिए। अच्छा। कि भाई अपने आदियों की मदद करो। हाँ जी। जो जिस ढंग से भी दुखी है, उसका वो दुख दूर करने की कोशिश करो। हाँ जी। वरना RW में बाकी बातों में आप आगे मत आओ, जो कर सकता है उसे आने दो। ठीक है जी। मैं रात अक्सर एक चीज जरूर देखता हूँ। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है जी। अमिताभ बच्चन की प्रेजेंटेशन इतनी बढ़िया कि मजा आता है। ठीक है जी। और वो लोगों के लिए कुछ कहता सुनता भी है, भले के लिए। हाँ जी हाँ जी। लेकिन एक कमी मैं उसमें भी देख रहा हूँ आज। हाँ जी। जब कोई आदमी वहाँ पर आता है और वो कहता है मुझे ये परेशानी है, हाँ जी, और वो परेशानी लकीर से हटके है, मतलब जैसे अभी कल परसों किसी ने कहा कि मेरी एक्सीडेंट हो गया, हाँ जी, और स्पाइन इंजरी होगी जिसके 50-60 लाख रुपया विदेश में किसी जगह, दो जगह इलाज है सिर्फ इसका, वहाँ मेरा इलाज हो सकता है। हाँ जी। ऐसे में जो भी हमारे सीरियल वाले हैं, जो भी हमारे टेलीविजन वाले हैं, हाँ जी, उन्हें चाहिए कि उसके लिए अपील करें, उसका नंबर डालें कि इसके इलाज के लिए 50-60 लाख रुपए चाहिए, आप लोग थोड़ा थोड़ा सब दें, उसको तो 50-60 लाख के 1 करोड़ मिल जाएगा। ठीक है जी। हमारा किसी का 1500 रुपए डालने में क्या दिक्कत है, 140 करोड़ में 50 करोड़ तो सक्षम है। हाँ जी हाँ जी। ज़्यादा भी डाल देंगे। ठीक है जी। तो उसका इलाज तो बेचारे का हो गया ना। हर चीज़ सरकार को नहीं देखनी है। मैं सारे मीडिया से आह्वान करता हूँ कि ऐसी चीज़ों पे नंबर डाल दो, तुम्हारा क्या गया बे, जो डाले या ना डाले। हाँ जी। कोई भी तकलीफ में है, ऐसी तकलीफ में जो लकीर से अटके है और वैसे ठीक हो सकती है, उसके लिए प्रचार होना चाहिए। और मैं भी आपको भी कहूँगा, हाँ जी, कि इसमें आप भी, अगर कोई आपको ऐसा आदमी मिले, हाँ जी, बीमार या कोई बात ऐसी हो, हाँ जी, कि उसकी मदद करनी चाहिए, तो आप इसमें उसका नंबर डाल दो, ये कहते हुए कि जी आपकी मर्जी है, ठीक आप है, डालो या ना डालो, इसका ये खर्चा है। ठीक है जी। ठीक, मैं देखूंगा, मैं ये नहीं कहता 1000-2000 तो मैं हर एक में डाल दूंगा, क्या दिक्कत है, चाहे महीने में 20 आ जाए। ठीक है जी। तो उन आदमियों की मदद हो जाएगी, देश स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है जी। आप मत कहो किसे, कहो जी ये है, ये आदमी ने रिक्वेस्ट करी है,
जैसा आपको ठीक लगे आप कर लो, इसे इतने रुपए की ज़रूरत है इस काम के लिए, थोड़ी सी डिटेल ले ली, इतना अस्पताल का, इतना ये, या इतना ये बच्चा पढ़ना चाह रहा है, मतलब आपकी जिम्मेवारी हो कि भाई ये आदमी मैं डाल रहा हूँ ठीक है, यही आप देखो सबका घर बस जाएगा। यही साहब गांव में होना चाहिए, जो हाँ। बिल्कुल जमी मरे पड़े किसान हाँ। आजकल उनकी जमीन बिकने के उस पे आ गई, वो तो देखो मिलजुल के काम चलाना चाहिए। हाँ जी, अभी मैंने देखा एक व्हाट्सएप पे आया हुआ था कि अमेजोन वगैरह से लोग माल लेते हैं। हाँ जी, अब नौकरी वोकरी छूट के बुरा हाल हो गया। हाँ जी, तो लोकल दुकानदार पे गए। हाँ जी, तो उसने कहा जी आपने हमसे माल लेना छोड़ दिया। हाँ जी, आप कई सालों से लेते थे, 2-3 साल से नहीं ले रहे, पर हमने आपको नहीं छोड़ा, आप जितना उधार चाहिए ले जाओ, जब पैसे होंगे तब दे देना। ठीक है जी, आप गांव के हो मेरे, कहाँ जाओगे, मैं आपको उधार दूंगा। ठीक है, तो फिर उस महिला ने कहा कि अमेजोन वगैरह से माल लेना बंद करो और लोकल दुकानदार से लो, इनके ही बीवी बच्चे पलेंगे। ठीक है जी, बात और सुख दुख में हमारे काम आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तो सही बात है। ये छोटी छोटी बातें हमें देखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हमारा पड़ोस का दुकानदार या हमारे अपने दुकानदार जो हैं, हाँ जी, उन्हें भी पेट लगा हुआ, उनके भी बच्चे हैं। हाँ जी, उनसे हमें माल लेना चाहिए। ठीक है जी, बात आप बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपकी बातें ना अब बहुत बंदे तो प्याज के रेट से जिनको मतलब भी नहीं है ना, हाँ। मैसेज आते हैं उनको, हमारा प्याज से नहीं मास्ता है। हाँ, कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो रिटायर हो लिए, वीडियो देखते हैं कि मंडी का हाल चाल, ऐसे भी हैं वो सोचते हैं कि मेरी उम्र यार 70 साल की है, मैं अब गांव में शहर में पड़े जी, आपके दिल्ली वाले बंदे भी हम चल नहीं फिर नहीं सकते, वो शर्मा जी की उम्र जो है 72 साल की है जी, और वो मंडी में कारोबार कर रहे प्याज है। सब काम कर रहा हूँ जी, सब काम कर रहे जी। हाँ, और एक बात और बता दूँ। हाँ जी, आपने एक ऐसी बात कर दी जो मैं कहना चाहता था पर मेरे याद नहीं रही। हाँ जी, जितने आदमी 50, 55, 60, 70, 75 के हैं, हाँ जी, और कमा सकते हैं, हाँ जी, वो कमाएं। मेरे बच्चे, मेरे घर वाले मुझे 10 साल से कह रहे हैं कि आप काम करना छोड़ दो। अच्छा जी, मैंने कहा बेटा जिस दिन मरूंगा ना, या मंडी में मरूंगा, घर आके मंडी से कमाने के बाद मरूंगा, किस लिए कमा रहा हूँ, कि जो मेरे यार दोस्त हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो वाकफकार जरूरतमंद है, हाँ जी, उनको थोड़ी थोड़ी मदद कर सकूँ। ठीक है जी, मैंने बेटे को कहा कि मैं कमाता हूँ, तुझे नहीं पता क्या कमा रहा हूँ और कितना दे रहा हूँ, जिस दिन मैं कमाना छोड़ दूंगा और मेरे पे कोई मांगने आएगा, तेरे से मांगूंगा ना, हाँ जी, तेरे चेहरे का रंग बदल जाएगा मेरे प्रति। ठीक है जी, तो इसलिए मैं कमाना नहीं छोड़ूंगा, और मैं सबको कहता हूँ, देखो हाँ लंबी लंबी उम्र सब जी रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि अस्पताल आ गए हैं, पहले मर जाता 60-65 में। हाँ जी, अब लोग 80 में नहीं मर रहे। ठीक है, जो रिटायर हो रहे हैं वो काम ना छोड़े, वरना आने वाले दिन उनके लिए बहुत बुरे साबित होंगे। कुछ भी करते रहे जी, कमाएं, कुछ भी नहीं करें, कमाएं हर हाल में। अच्छा, छोटी नौकरी मिले, बड़ी मिले, छोटा काम करें, बड़ा करें, रोज कमाएं, अगर सुख शांति से रहना चाहते हैं। ठीक है, वरना मैं देख रहा हूं कि लोगों ने कमाना छोड़ दिया। हाँ जी, रिटायरमेंट के बाद वो पैसे सौरे 2-4 साल में 10 साल में खाए गए, अब जिंदा अब क्या करोगे। ठीक है जी, आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आप 90 साल 80 साल जीते हो, हाँ जी, तो 20-25 साल आप और आपकी घरवाली खा पाएंगे क्या? नहीं खा पाएंगे। बैंकों के ब्याज भी कम हो गए हुए हैं, पहले तो 12-13% होते थे। हाँ जी, अब 7-8% है। तो मेरी सबको राय है, जब तक सेहत अलाउ करती है कमाना मत छोड़ो। रोज की इनकम होगी तब पिछला पैसा बचेगा। हाँ, जो रोज होनी चाहिए, जो रोज की इनकम नहीं करा, ज्यादा मेहनत करो, थोड़ी करो, थोड़ा कमा लो। हाँ जी, तो आप इज्जत से इस संसार में जियोगे। ठीक है जी, वरना आपको दिक्कत आ सकती है, क्यों खर्चे आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, राणा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे याद है 1985 में मेरे घर का खर्चा 3,000 था। 1985 में जी 3,000 रुपये में घरवाली को देता था घर खर्च। ठीक है जी, आज मैं अपनी घरवाली को 1,00,000 रुपये महीना देता हूँ। अच्छा जी, आप बताओ, मुझे याद सोच थी कि 1,00,000 रुपये महीना खर्च हो जाएगा मेरे घर का, तो आज जो जितना कर रहा है ना, महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। हाँ जी, जरूरियात इतनी बढ़ रही है कि जो आज तुम्हारा खर्चा है 10 साल बाद इससे दुगना होगा। होएगा जी, होएगा। तो अगर आप कमाओगे नहीं तो कैसे होगा। हाँ जी, आप तंग रहोगे बाद में। ठीक है, आपका बहुत बुरा हाल होगा। हर आदमी कमाए, ज्यादा या कम, मैं नहीं कहता कि तकलीफ में कमाए, पर कमा सकता है तो जरूर कमाए, आखिरी टाइम तक कमाए, कमाना ना छोड़े। ठीक है जी, बात आप, तभी आदमी इज्जत से रहेगा,
सुख शांति से रहेगा। जैसे वो डॉक्टर नहीं बता देते हैं लेडीज को जिसका बच्चा होने वाला है, उन्हें कहा जी बेड रेस्ट करवा दो इसको। हाँ। और जो देसी दाई है वो बताएगी काम करो, झाड़ू मारो, पोचा मारो, काम करो। तो सारी कर रही है। हाँ जी हाँ जी, जितनी महिलाएं वो डॉक्टर बताएगा बेड रेस्ट, वो कंडम कर देंगे नहीं आदमी को, आदमी को कंडम कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इसलिए काम सबको करना चाहिए, करना चाहिए जी। बाकी दम है, यही तो बोल रहा है जो 70-75 साल के दिल्ली में बहुत बंदे ऐसे हैं जी, आपकी वीडियो को देखते हैं। हाँ। उनका इसका काम नहीं है जी। ये वो लोग हैं जो तय कर बैठे कि मैं तो रिटायर हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे काय का रिटायर हो गया, भगवान ने तुझे रिटायर करा, तेरे हाथ पैर ठीक है, चलता है, तगड़ा है, तू तो घर पड़ के बीमार होगा। ठीक है जी, बात काम करता रहेगा 90 साल तक जवान रहेगा। ठीक है जी ठीक है जी। तो इसलिए सबको अपना काम करना चाहिए, कमाएगा तभी इज्जत से जिएगा। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाबू जी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A 334, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर मेरा 98-102-61-648। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब, शुभकामनाएं।